Assalamualaikum, I'm Maria Khan from Amana.com. And if you're a new subscriber, if you're new to this channel, I would like to welcome all our new subscribers. हम अपने इस चैनल के ऊपर डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं, और लाहौर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज मैं जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स. द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स बेसिकली लाहौर में लोकेटेड है. लाहौर के एरिया गुलबर्ग में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है और ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है. इसके फ्लोर प्लान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये तकरीबन 11th फ्लोर के ऊपर बेस करता है, जिसके ऊपर रूफ टॉप है जहाँ पर जिम, स्पा और स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज मौजूद होंगी. और इसके जो बेसमेंट्स हैं वो रिजर्व हैं कार पार्किंग के लिए, एंड बेसमेंट्स के ऑनवर्ड्स जो है उसके ऊपर अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है. अब द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स की फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं जो कि ये लोग आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर सेफ्टी बहुत ज़्यादा है अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट. उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस है यहाँ पर, फायर अलार्म और फायर फायरिंग सिस्टम्स हैं, 24/7 गार्ड सिक्योरिटी है, और उसके अलावा गेटेड जो है प्रेमिसेस हैं इसके, एंड बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम है. और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका A+ क्वालिटी ग्रेड स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा क्वालिटी फिनिशेस हैं, एनर्जी एफिशिएंट जो है इनके सिस्टम्स हैं, और एनर्जी एफिशिएंट जो है रिफ्लेक्टिव ग्लासेस भी यहाँ पर लगे हुए हैं. और फर्दर अगर इसके अपार्टमेंट्स की जो अमेनिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसमें जो है इंपोर्टेड टाइल्स हैं इनके लिविंग एरिया में, क्वालिटी लेमिनेटेड फ्लोर है इनके बेडरूम्स में, इंजीनियर डोर्स हैं मेन एंट्रेंस और रूम्स के. उसके अलावा मीडिया वॉल पे जो है लिविंग एरिया में LED है, सेफ्टी ग्लास वॉल है शॉवर एरिया में, इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं, किचन हॉब है, किचन हुड है, और वार्डरोब्स और किचन कैबिनेट्स जो है वो UV शीट्स की हैं. उसके अलावा एलुमिनियम की इनकी विंडोज़ हैं, LED लाइट्स हैं, और फॉल्स सीलिंग इन लिविंग रूम्स जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर. उसके अलावा इनबिल्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सिस्टम्स हैं, सेरेमिक टाइल फ्लोर्स हैं इनके किचन एंड बाथरूम्स में, सीलिंग फैंस और लाइट्स हैं, और उसके अलावा केबल TV एंड हाई स्पीड इंटरनेट का सिस्टम यहाँ पर मौजूद होगा. फर्दर कुछ फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डबल हाइट स्पेशियस मेन एंट्रेंस लॉबी है इनके ग्राउंड फ्लोर पे. उसके बाद इनकी असाइंड कार पार्किंग है, जैसे मैंने पहले बताया फ्लोर प्लान में 2 बेसमेंट्स में और ग्राउंड फ्लोर में. उसके बाद यहाँ पर स्पीडी स्पेशियस लिफ्ट्स हैं पार्किंग से लेके अपार्टमेंट फ्लोर्स तक. यहाँ पर 24/7 सिक्योर्ड CCTV प्रोफेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, और यहाँ पर मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम भी होगा. पावर बैकअप के जनरेटर्स की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद होगी. उसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी लाउंजेस भी हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज इनके ग्राउंड फ्लोर पर, जो के रेजिडेंस के लिए भी हैं, और उसके अलावा जो विजिटर्स आएंगे जस्ट फॉर लगे टाइम उन लोगों के लिए भी है. इनके हर अपार्टमेंट की प्राइवेट बालकनीज एंड लॉगेस होंगी. इसके अलावा यहाँ पे ट्रैश का जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है हर फ्लोर के ऊपर, मेंटेनेंस सर्विस स्टाफ यहाँ पर हर वक्त मौजूद होगा, और इसके अलावा ड्राइवर रूम्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे शेयरिंग बेसिस के ऊपर इन ईच अपार्टमेंट. अब मैं आप लोगों से द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स के जो पेमेंट प्लान की कुछ डिटेल्स हैं उसकी जो बुकिंग है उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आपको मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज के बारे में बताऊंगी जिस प्राइस रेंज में यहाँ पर अपार्टमेंट्स आप लोगों को मिल सकता है. तो सबसे पहले इनकी जो है डाउन पेमेंट वो है 20%. उसके बाद इनकी 30 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 10 उनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, और 10% जो इसकी पेमेंट है वो ऑन पोजिशन दी जाती है. अब अगर मिनिमम अमाउंट की मैं बात करूँ जिसमें आप यहाँ पर अपार्टमेंट ले सकते हैं, इनके दो साइजेस के इनके दो डिफरेंट साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स, और उसमें भी डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं. तो जो मिनिमम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनके अपार्टमेंट की प्राइस है वो है 1,92,50,000, और मैक्सिमम इसकी जो प्राइस जाती है इसकी रेंज वो है 3,77,50,000 तक. और इसके अलावा इसके मिड रेंज में जो इनकी प्राइजेस वगैरह हैं वो इसके बारे में आप लोग डिटेल्स हासिल करने के लिए आप हमसे जब चाहें हमारे दिए गए नंबर पर amana.com के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और अब मैं आप लोगों से द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स की लोकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी. द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स बेसिकली लाहौर की एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन में मौजूद है. द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स बेसिकली गुलबर्ग में है, और गुलबर्ग की कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो पिछले 10 सालों में गुलबर्ग जो है वो लाहौर का एक सेंट्रल बिजनेस हब बन चुका है, और लास्ट 10 ईयर्स में उसके जो भी प्राइजेस हैं उसमें बहुत एक ह्यूज जंप आया है. बहुत तेज़ी से पिछले 10 सालों में वहाँ की प्राइजेस इंक्रीज हुई हैं. तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली गुलबर्ग में मौजूद है. उसके अलावा जो गुलबर्ग में जिस लैंड के ऊपर इस प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है कजाफी स्टेडियम के. बहुत इजीली एक्सेसिबल है फिरोजपुर रोड, कनाल रोड, और उसके अलावा जो मेन बुलेवार्ड है गुलबर्ग का वहाँ से बहुत ही क्लोज इसकी प्रॉक्सिमिटी में आता है. उसके अलावा जो मेन हब है IT बिजनेस का हफीज सेंटर उसके बहुत करीब है. हाली रोड और लिबर्टी मार्केट भी इसके बहुत ज़्यादा करीब है. उसके अलावा लाहौर का जो टॉप नॉच हेल्थ क्लब है शेप्स वो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है.
बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उनके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके लिए. और ये प्रोजेक्ट ओवरऑल जो है सराउंडेड है टॉप प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से. और अब मैं आप लोगों से इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगी. तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट ऑर्बिट डेवलपर्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है और ऑर्बिट डेवलपर्स ग्रुप ऑलरेडी इस्लामाबाद में भी अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं जो कि द स्प्रिंग अपार्टमेंट्स के नाम से इस्लामाबाद में भी है. इसकी लोकेशन मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन्होंने डेवलपमेंट का काम कौन से एरिया में किया हुआ है. ये इनका बेसिकली फर्स्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और में लॉन्च हुआ था नियर फजाया कॉलोनी इन मिड 2012. और ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है और ये कम्प्लीटली हैंड ओवर भी हो चुका है. कस्टमर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इनकी प्राइसेस, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी को लेकर. और उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट था इस पे 4 ब्लॉक्स हैं और ये तकरीबन 29 कनाल्स के लैंड के ऊपर है. और इसके 3 ब्लॉक्स हैं जो कि रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हैं और जो इनका एक ब्लॉक है वो है कम्युनिटी क्लब के लिए जहाँ पर डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जैसे स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, रेस्टोरेंट्स और जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, शॉप्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं. एंड ऑल्सो ये प्रोजेक्ट जो है ये RDA अप्रूव प्रोजेक्ट भी है. तो ये बेसिकली ऑर्बिट डेवलपर्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स. और लाहौर में भी इनके जो ये प्रोजेक्ट है गुलबर्ग में इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी है एंड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा. अब थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों से मैं इस प्रोजेक्ट के लीगैलिटीज़ के बारे में शेयर करना चाहूँगी. ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली लीगल है और ये LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी है. फर्दरमोर उन लोगों के लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और वो इस तरह की लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि हर लिहाज से एक आइडियल लोकेशन हो रेजिडेंशियल पर्पसेज के लिए, बिजनेसेस पर्पसेज के लिए, उनके लिए ये एक बहुत ही आइडियल प्रोजेक्ट है. जैसे कि मैंने आपसे तमाम डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर की हैं. तो किसी भी किस्म की आप लोगों को डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, प्राइस बैंड, कोई भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो आप हमसे जब चाहें हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब एंड में मैं आप लोगों से इस प्रोजेक्ट के बुकिंग प्रोसीजर के बारे में बात करना चाहूँगी. इनका बुकिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है. ऑल यू नीड इज 2 CNIC कॉपीज एंड 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस ऑफ द मेन एप्लीकेंट एंड 2 CNIC कॉपीज एंड 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस ऑफ द मेन नॉमिनी एज वेल. तो व्यूअर्स ये थी एक जनरल ओवरव्यू वीडियो द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स के बारे में जो कि लाहौर में लोकेटेड है गुलबर्ग में. इसकी डिटेल्स आज हम लोगों ने आपसे शेयर की हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और इसके रिलेटेड कोई भी किस्म की आप लोगों की क्यूरियस हो, कोई भी डिटेल्स आप लोग चाहते हो हमसे जब चाहे हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कॉमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड वी आर ऑलवेज हेयर टू गाइड यू एंड गिव यू कंसल्टेंसी. तो व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एज वेल. और अगली दफा तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.